नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में है और आज हम यहां पहुंचे हैं सब्जी जो लगातार उसकी कीमत बढ़ रही है उसको लेके हम बात करेंगे सब्जी विक्रेताओं से। ये जानने की कोशिश करें कि सब्जी का आज का रेट क्या है और आने वाले दिनों में कब आम लोगों को इससे बढ़ती महंगाई से यानी बढ़ते सब्जी की कीमतों से राहत मिलेगा। यहाँ मेन जो है आलू और प्याज, जो सब्जी का राजा है आलू और प्याज जो स्वाद को बढ़ाता है, तो यहाँ मैं पहुंचा हूँ आलू और प्याज के जो विक्रेता है उनसे। क्या नाम आपका? सुनील कुमार जी। सुनील जी, ये बताइए आलू प्याज का जो रेट लगातार बढ़ रहा है, लोगों को कब राहत मिलेगी? अब यहाँ बात करिए। देखो जी, ये सीजन ऐसा भी राहत मिलने वाला नहीं है, बरसात का मौसम है, अभी माल खराब हो जाता है बरसात से हर साल, तो राहत अभी एक डेढ़ महीने तक तो कोई मिलेगी नहीं। अब नवंबर में नया आलू आएगा, जब राहत मिलेगी उसी टाइम ही प्याज आती है नया अनाज, उसी टाइम थोड़ी सी राहत मिलेगी, जब कोई जाके थोड़ा मंदा होगा। लेकिन नहीं, जब तक आलू नहीं आ जाती है तो राहत नहीं मिलेगी, और प्याज भी अगर लोकल नहीं आ जाता है तो राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली। यानी लोगों को एक महीना और परेशान होना पड़ेगा इस महंगे महंगे प्याज और आलू के साथ। आज एक डेढ़ महीना परेशान होना पड़ेगा कम से। अगर मैं आज की बात करूँ तो होलसेल आप यहाँ बिकता है प्याज और आलू, तो क्या रेट है? देखिए, होलसेल में जी 40 रुपये किलो प्याज है जी और 25 रुपये किलो का आलू है। आलू ये मैक्सिमम है या मतलब कि कम भी है? ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। और ये आने वाले दिनों में क्या, अभी अगर एक महीने की बात करें तो क्या कम होने के आसार हैं? कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, तो मंडी के ऊपर है, पीछे माल कितना रेट आता है क्या नहीं, ये तो आड़ती के ऊपर बात है। हमारी मौजूदगी दरियागंज सब्जी मंडी, यहाँ आज हम और भी सब्जी विक्रेता से बात किए। अब टमाटर की बात करते हैं, क्योंकि टमाटर के बगैर सब्जी बन नहीं पाता और टमाटर तो चाहिए होता है। थोड़ा इधर आ जाएंगे प्लीज आप। क्या नाम है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आज का टमाटर का रेट क्या है और टमाटर किस किस प्रकार? 40 रुपए किलो का है, देसी हो या बॉम्बे। बॉम्बे, हाँ। ये सारे होलसेल की बात, होलसेल का रेट है 40 रुपए। 40 रुपए जो बाहर जाके 50-60 रुपए, 50 या 60 बेचेंगे वो। ये टमाटर अगर मैं बात करूँ 15 दिन पहले की, तो क्या रेट क्या था? 15 दिन पहले था 60 और 80। 60 और 80 बरसात के। ये होलसेल की बात कर रहे हैं? हाँ। और क्या लगता है, ये जो आपने 60-80 की बात करी और अभी आपने 40 का रेट बेच रहे, तो आने वाले दिनों में टमाटर का रेट कम होने जाएगा? आने वाले रेट दिनों में डाउन जाएगा। कितने दिनों के बाद? अगर जो आम ग्राहक को अगले महीने तक, अगले महीने यानी कि एक महीने का इंतजार और करना पड़ेगा लोगों को? महीना खत्म हो गया, अब अगले महीने सितंबर तक थोड़ा डाउन जाएगा, थोड़ा डाउन जाएगा। टमाटर के क्या रेट होगा? आइडिया नहीं कहता, लगभग 30-32 या 35, इतना लगभग, इतना 30 के आसपास 40 और 30 के आस। ये क्या हर साल इस महीने में जो बारिश का टाइम आता है, हर साल इस महीने में जुलाई में होता ही है महंगा, ये सबको पता है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से, हाँ। क्या महंगाई का भी असर है? तो महंगाई का कोई असर नहीं है, देखो ये तो हर साल फसल खराब होगी तो ये महंगा अपने ऑटोमेटिक होगा, फसल खराब हो जाती है। हाँ। आपका क्या नाम है? सुमन आलम। आलम जी, क्या करते हैं? खीरा बेचते हैं। खीरा कैसे है? खीरा, खीरा 200 रुपए धड़ी। 200 रुपए धड़ी, हाँ। तो बहुत महंगा बेच रहे श्रीमान। नहीं, पीछे से ही महंगाई है, पीछे से ही महंगा। अगर एक महीने पहले की बात करें तो क्या कम था? हाँ, पहले कम था, एक महीने पहले कितने रेट था? 120 धरी, हाँ। यानी कि अगर किलो की बात करें 24 अभी कितने का किलो की बात करें? 40 रुपए किलो। 40 रुपए की। ये सब जो रेट आप बता रहे हैं ये सब होलसेल है, थोक विक्रेता, मतलब आपसे जो लेंगे रिटेल वाले वो बेचेंगे कम से कम 50-60 रुपए किलो। 50-60 रुपए। तो ये आने वाले दिनों में क्या खीरा का रेट कम होगा? नहीं होगा, खीरा कम है ना, पीछे बाढ़ से खीरा मारा गया। दिल्ली की जो मंडी है दरियागंज के साथ अलमी मंडी, कौन कौन सा खीरा आ रहा है, कहाँ कहाँ खीरा? ये बाहर का आ रहा है, यहाँ का नहीं है, हिंदुस्तान का खीरा आ रहा है, पहाड़ का खीरा आ रहा है, पहाड़ का पहाड़ी खीरा ज्यादा बेहतर होता है क्या पहाड़ी खीरा अपने देसी खीरा से? नहीं, देसी बढ़िया होता है। क्या नाम है सर आपका? हरिओम राजपूत। हरिओम जी, ये कौन सा सब्जी मंडी है जहाँ पे? ये दरियागंज सब्जी मंडी है। कितने साल पुराना? तकरीबन 50 साल से भी पुराना है, अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा है ये। अभी मैं सब्जी की बात करूं, जो सब्जी की हालत है, ये महंगाई की मार है या इस मौसम में बारिश के मौसम में इस तरह का सब्जी महंगाई होता है? बरसात में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि फसलों पे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है ना, तो इसलिए मौसम की ही मार बोलेंगे इसको। ये तो हर साल ही होता है लगभग, हर साल। क्या महंगाई भी असर कर रहा है क्या? थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे सब्जी विक्रेता, इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन राहत कोई ज्यादा नहीं, 10 से 20% की जो सब्जी की कीमत है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और
अगर बारिश होती रही तो सब्जी का रेट इसी तरह से महंगा होता रहेगा, क्योंकि बारिश के बाद जो हरी सब्जी है वो उसके खेतों पर काफ़ी असर पड़ता है, नुकसान होता है, इसी वजह से रेट महंगा होता है। और आने वाले दिनों में आलू टमाटर प्याज की बात करें तो थोड़े बहुत राहत मिलेंगे, लेकिन पूरी तरह से राहत कम से कम एक महीने के बाद ही देखने को मिलेगा। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.